तो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज आवर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आपके बीच में आया हूँ, और आज का टॉपिक है हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जो अब एक्ट बनने जा रहा है और इसकी एक्ट बनने की राह भी आसान हो चुकी है। सो इस पूरे बिल का मैं एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा कि ये पूरा बिल क्या कहता है, इसके साथ साथ क्या क्या इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से इसका विरोध हो रहा है, और इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। सो इस पूरे बिल का एनालिसिस मैं आपको बताऊँगा इस पूरी वीडियो में। सो वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी और रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है ये पास हो गया है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा, और अब ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बनने के लिए तैयार हो चुका है। ये लोकसभा में 311 वोट मिले थे और राज्यसभा में इसके पक्ष में 125 वोट मिले थे, जिससे ये बिल आसानी से पास हो चुका है। ये बिल क्या कहता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसके कंटेंट्स में बता देता हूँ, इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल क्या है, और इसके अंदर कौन कौन इंडियन सिटीजनशिप ले सकता है, किन राज्यों को इससे एग्जेम्पशंस मिला है, और अपोजिशन की कंटेंशंस क्या है, और क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है इसका, और क्या क्रिटिसिज्म हो रहा है, इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने क्या जवाब दिया है, NRC और कैब के बारे में इसमें थोड़ा मैं बताऊंगा, क्योंकि ये इशू बहुत आ रहा है, प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं इस बिल के साथ, आगे क्या होगा नेक्स्ट, और इसके प्रोज एंड कॉन्स। सबसे पहले ये बिल है क्या, ये बिल इसमें ये कहा गया है कि जो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चन हैं, ये 6 रिलीजन जो हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के, इन 3 राज्यों से जो ये 6 रिलीजन आए हैं, इनको इल्लीगल माइग्रेंट नहीं किया कहा जाएगा। मतलब क्या है कि अगर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से इन 6 में से किसी भी रिलीजन के लोग भारत में एज अ रेफ्यूजी रह रहे हैं, या फिर इल्लीगली रह रहे हैं, ये इल्लीगल माइग्रेंट बन के रह रहे हैं, तो उन्हें अब से इस बिल के अकॉर्डिंग इल्लीगल माइग्रेंट नहीं कहा जाएगा। और इसके साथ साथ इस बिल में ये भी कहा गया है कि अब उन्हें भारत की नागरिकता मिल सकती है, और ये भारत की नागरिकता जो उन्हें मिलेगी, इसकी कट ऑफ डेट रखी है 2014 दिसंबर 2014, ये कट ऑफ डेट रखी गई है। मतलब दिसंबर 2014 से या उससे पहले से जो लोग भारत में रह रहे हैं, इन 3 देशों के लोग, दैट इज अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए जो जो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चन रह रहे हैं, उन्हें अब भारत की नागरिकता मिल जाएगी। वो भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये कहता है बिल, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो अब एक्ट बनने जा रहा है, और इसमें से मुस्लिम को एक्सक्लूड किया गया है कि अगर कोई भी मुस्लिम जो है, अगर वो इन 3 देशों से आता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से, तो उन्हें सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, और अगर वो इलीगली भारत में रह रहे हैं तो उन्हें इलीगल माइग्रेंट कहा जाएगा। इस बिल में मुस्लिम को इन्वॉल्व नहीं किया गया है। तो ये पूरा बिल है। अब हम बात करते हैं कि इस बिल के अकॉर्डिंग सिटीजनशिप किसे मिलेगी। इस बिल के अकॉर्डिंग सिटीजनशिप जो मिलेगी, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चन, अगर इन 6 धर्मों के लोग जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से, अगर इन 6 में से किसी भी धर्म के लोग भारत में आए हैं, चाहे वो शरणार्थी की तरह आए हों, दैट इज़ रेफ्यूजी बन के आए हों, चाहे वो इलीगली आए हों, तो उन्हें अब भारत में नागरिकता मिल सकती है। बस शर्त क्या होगी कि वे सभी लोग दिसंबर 2014 से पहले आए हुए होने चाहिए। मतलब जो लोग दिसंबर 2014 तक आ गए हैं, या तो दिसंबर 2014 या उससे पहले, उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी अगर वो इन 6 में से किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, और इसमें इन देशों के मुस्लिमों को इंक्लूड नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया ये मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। इसमें एक प्रावधान और है, OCI को लेकर भी बात हुई है कि जो OCI ओवरसीज सिटीजनशिप के संदर्भ में भी इसमें बात हुई है, और इसमें यह कहा गया है कि अगर वो कोई सिटीजनशिप एक्ट का कोई भी लॉ वायलेट करते हैं, उनकी नागरिकता भी छीन ली जाएगी। जो विवाद हो रहा है और जो बेसिक इशू जो है वो इस बात पर है, पहले पॉइंट पर, हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चन ही क्यों, मुस्लिम को क्यों नहीं इंक्लूड किया गया। ये क्वेश्चन है जिसकी वजह से पूरा विवाद चल रहा है। अब आइए हम आगे डिस्कस करते हैं कि एग्जेम्प्ट किसे किया गया है।
सो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है उसमें से कुछ राज्यों को एग्जेम्प्ट किया गया है, और वो राज्य कौन कौन से हैं, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, जैसे असम का कुछ एरिया हो गया, ट्राइबल एरिया, मेघालय का एरिया हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, और ये जो नॉर्थ ईस्ट के मैक्सिमम जो राज्य हैं, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सबको एग्जेम्प्ट किया गया है, और असम का कुछ पार्ट एग्जेम्प्ट किया गया है, और इसी की वजह से असम में बहुत ज़्यादा विरोध भी हो रहा है कि इस असम को पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट क्यों नहीं किया गया। और ये एग्जेम्पशंस की बात इसलिए हो रही है बिकॉज सिटीजनशिप बिल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो भी बाहर के नागरिक हैं, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो आए हैं, उनको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, और जो उनको पहले अधिकार नहीं मिलते थे क्योंकि वो सिटीजन नहीं थे भारत के, अब वे लोग भी वो सारे अधिकार ले पाएंगे। तो अब डर ये है नॉर्थ ईस्ट में कि अगर बाहर से आए हुए लोगों को सिटीजनशिप मिल गई तो उनका जो एथनिक कल्चर है वो ऑल्टर हो जाएगा, जिसकी वजह से ये पूरा विरोध हो रहा है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। अब हम आगे बात करते हैं कि क्रिटिसिज्म क्या क्या है इस बिल की। सबसे पहली चीज़ जो क्रिटिसिज्म ये है कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर देवेगौड़ा थे, उन्होंने कहा कि ये जो बिल है ये माइनॉरिटी के अगेंस्ट है और सेकुलरिज्म को डिस्ट्रॉय कर देगा, ये कहना है देवेगौड़ा का। इसके साथ साथ बहुत आप कह सकते हैं बहुत ही कट्टर तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं, जैसे इस बिल को ये कहा गया है कि ये बिल नाजी कॉफ़ी बुक से लिया गया है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं इस बिल के विरोध में, इस बिल का विरोध असम में बहुत ज़्यादा हुआ और पूरे देश भर में भी हो रहा है, अभी भी चल रहा है, और जिसकी वजह से कई लोगों की जान भी गई और कई लोग सीवियरली इंजर्ड भी हुए। तो सवाल यह है कि ये कहाँ तक सही है कि बाहर के लोगों को यहाँ पे नागरिकता देने के लिए अपने ही लोगों को मारा जाए। सो ये क्रिटिसिज्म बहुत बड़ा है। इसके साथ साथ ये कहा गया कि ये बिल जो है आर्टिकल 14 और 21 के अगेंस्ट है। आर्टिकल 14 और 21 के अगेंस्ट कैसे है, क्योंकि भारत के संविधान के अकॉर्डिंग जो 21 है, आर्टिकल 14 है, वो फॉरनर को भी मिलता है, फॉरनर को भी आर्टिकल 14 मिलता है, दैट इज़ इक्वालिटी का अधिकार, 21 फॉरनर को भी मिलता है। तो अगर इक्वालिटी का अधिकार है तो इक्वालिटी के हिसाब से तो मुस्लिम भी इंक्लूड होने चाहिए थे, तो खाली हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट और सिख ही क्यों इंक्लूड हुए, मुस्लिम को एक्सक्लूड क्यों किया गया, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज हुआ, क्रिटिसिज्म हुआ इसका। इसके साथ साथ ये कहा गया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का वॉयलेशन है। तो ये तो है बात क्रिटिसिज्म की कि इस बिल का क्या क्या क्रिटिसिज्म हुआ। अब मैं आगे आपको बताता हूँ गवर्नमेंट ने क्या क्या जवाब दिए। गवर्नमेंट ने कहा कि आर्टिकल 14 जो है वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात करता है, और हमने इस बिल में रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया है, और इस रीजनेबल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर ही हमने मुस्लिम को एक्सक्लूड किया है और बाकी सभी को हमने नागरिकता देने का निर्णय लिया है। अच्छा, अब इन्होंने रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या किया है, किस बेसिस पर रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया है, वो बताया है गवर्नमेंट ने और अमित शाह ने कि जो रिलीजियसली परसिक्यूटेड हैं, मतलब धर्म के आधार पर जिन्हें उनके देश में प्रताड़ित किया गया, जिसकी वजह से वो भारत में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए, जो लोग या जिन लोगों के धर्म को प्रताड़ित किया गया और धार्मिक प्रताड़ना के कारण वो भारत में आए और भारत में शरण लेने के लिए उनको मजबूर होना पड़ा, हम उन लोगों को सिटीजनशिप दे रहे हैं। ये बात कही अमित शाह ने। अमित शाह जो होम मिनिस्टर, उन्होंने ये भी कहा कि जो जिन राज्यों से, जिन कंट्रीज से हम ले रहे हैं लोगों को, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, वो सारी क्या हैं, वो सेकुलर कंट्रीज़ नहीं हैं और उनमें इस्लाम जो है वो एक रिलीजन है और वो कहीं ना कहीं मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो जब वहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी में है तो हम लोग मुस्लिम को इंक्लूड कैसे कर सकते हैं, और इसलिए हम वहाँ पर जो रिलीजियसली परसिक्यूटेड लोग हैं वहाँ के, जैसे हिंदू और वहाँ की माइनॉरिटी, हम खाली उन्हीं को इंक्लूड कर रहे हैं इस बिल में। सो ये कहा अमित शाह ने रीजनेबल क्लासिफिकेशन के लिए। इसके साथ साथ कई सारे क्वेश्चन रेज हुए, जैसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि मुस्लिम को एक्सक्लूड क्यों किया गया। सो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि जिन तीन देशों से हम लोगों को नागरिकता दे रहे हैं वो तीन देश इस्लाम अडॉप्ट करते हैं एज देयर नेशनल रिलीजन, दैट इज स्टेट रिलीजन, और इसलिए हम उनको सिटीजनशिप नहीं दे रहे मुस्लिम को, क्यों, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटी में नहीं है।
जो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं लगता है। वो इसलिए नहीं लगता क्योंकि अहमदिया और शिया जो हैं, शिया सुन्नी में खूब लड़ाइयाँ होती हैं, अहमदिया को तो पाकिस्तान में मुसलमान भी नहीं माना जाता, तो कहीं ना कहीं ये भी प्रताड़ित होते हैं। तो ये ग्राउंड देना कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है और उस बेसिस पर ये कहना, ये कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में है। दूसरी बात, रोहिंग्या के ऊपर भी उन्होंने, अमित शाह ने बोला, क्लियर नहीं बोला लेकिन उन्होंने रोहिंग्या के ऊपर ये कहा कि वो बर्मा से आते हैं, वो एक सेकुलर नेशन है और वहाँ पर धर्म के बेसिस पर कोई प्रताड़ना नहीं होती और इसलिए हम रोहिंग्या को कभी भी सिटीजनशिप नहीं देंगे। इसके साथ साथ जब बात ये हुई कि केवल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लोगों को ही क्यों दिया जा रहा है, नेपाल, श्रीलंका और जो बाकी देश हैं हमारे नेबरहुड चाइना, उनके लोगों को क्यों नहीं दिया जा रहा है, वहाँ से भी रेफ्यूजीज आए हुए हैं। तो इस पर अमित शाह ने कहा कि हमने समय समय पर भारत के संविधान ने अलग अलग लोगों को और अलग अलग देशों से आए हुए रेफ्यूजीज को नागरिकता अलग अलग समय पर दी है। उन्होंने 1971 जंग के समय जब आए थे रेफ्यूजीज, उनकी बात भी की और ऐसे ही कई उदाहरण भी दिए। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और रेज हुआ था कि फियर इन मुस्लिम कम्युनिटी, जो हमारे भारत की माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसके अंदर एक डर है, तो उस पर भी अमित शाह ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं, मोदी सरकार सबके साथ इक्वल व्यवहार करेगी और प्रोटेक्शन करेगी, जो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में इसलिए भी आ रहा है क्योंकि NRC, दैट इज नेशनल रजिस्टर जो मेंटेन हो रहा है, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ये कहीं ना कहीं जब इकट्ठे आ रहे हैं तो एक सवाल आता है दिमाग में। ये मैं आगे आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। उसके बाद अमित शाह ने डिस्क्रिमिनेट किया कि रेफ्यूजी और इलीगल माइग्रेंट में क्या अंतर है। उन्होंने कहा जो लोग धार्मिक प्रताड़ना के कारण अपनी और अपनी बच्चों की और फैमिली की और रिलीजन को बचाने के लिए देश में आते हैं वो रेफ्यूजी होते हैं, और जो इलीगली घुस जाते हैं देश में वो इलीगल माइग्रेंट होते हैं। ये उन्होंने डिफरेंस भी दिया अमित शाह ने। इसके साथ साथ एक एलिगेशन रेज हुआ था ओवैसी द्वारा कि एक बैकग्राउंड बनाया जा रहा है NRC को लेकर, जो मैंने अभी डिस्कस भी किया। सो NRC को लेकर एक बैकग्राउंड बनाने की बात हुई, इस पर अमित शाह ने कुछ भी क्लियर नहीं बोला और उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि हमने इससे पहले 2015 में इस बिल को प्रेजेंट किया है और NRC होकर रहेगा, और कोई बात नहीं बोली उन्होंने। उसके साथ साथ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, जो रेफ्यूजी होंगे जिन्हें आप नागरिकता देंगे उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे कि वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकें, इस पर अमित शाह ने कहा कि कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो कहीं ना कहीं ये भी सवालों के घेरों में है क्योंकि कोई भी अगर आज भी इलीगली आके कह देता है कि मैं हिंदू हूँ, आप मुझे नागरिकता दे दीजिए, तो उसे कैसे पहचाना जाएगा? क्या कोई तालिबानी आके या कोई आतंकवादी आके हिंदू बन के हिंदू के नाम पे यहाँ पे ले लेगा सिटीजनशिप और फिर यहाँ पर आतंकवाद फैलेगा? सो ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है। खैर, NRC और कैब के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि विवाद जो है इसलिए हो रहा है क्योंकि NRC और कैब की जो टाइमिंग है कहीं ना कहीं साइमल्टेनियसली एक ही समय पर ये दोनों चीज़ें हो रही हैं। NRC है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, मतलब इसमें क्या है कि NRC एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, जो क्या जो भारत के नागरिकों को आइडेंटिफाई करके उनके नाम उसमें रजिस्टर करता है। एक बही खाता मान लीजिए, एक बड़ा सा बही खाता जिसमें देश के सभी नागरिकों के नाम होंगे और पहचान होंगी। और जबकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है ये भारत के लोगों जो बाहर से रेफ्यूजीज आए हैं, और वो रेफ्यूजी कौन, जो इन 6 पर्टिकुलर धर्मों से बिलोंग करते हैं और वो 6 पर्टिकुलर धर्म अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए जो रेफ्यूजी हैं उनको नागरिकता देने की बात करता है कैब। सो ये है NRC और कैब में डिफरेंस। असम में क्यों ज़्यादा एंगर था? एंगर इसलिए था क्योंकि उनका धर्म से कोई भी लेना देना नहीं था कि धर्म के बेसिस पर दे रहे हो या कैसे दे रहे हो। उनका बेसिक था कि उनका कल्चर डिस्टर्ब होगा इससे और उनकी जो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी होगी वो डिस्टर्ब होगी। बाहर से अगर ज़्यादा लोग आएंगे तो ऑल्टर कहीं ना कहीं हो जाएगा और उनका जो कल्चर है वो ख़त्म हो सकता है और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी ख़त्म हो सकती है, जो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट के लोगों का एक कंसर्न होता है, जिसकी वजह से इस बिल का बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। अब मैं प्रॉब्लम्स की बात करता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं कैब, दैट इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से। सबसे पहला एक बहुत बड़ा एक जो डर है वो है मुस्लिम कम्युनिटी में, माइनॉरिटी में,
क्यों? क्योंकि जो टाइमिंग है इसकी वो एनआरसी के हिसाब एनआरसी के साथ साथ आ रही है। गृह मंत्री ने संसद में कहा भी है कि एनआरसी जरूर होगी पूरे देश में। सो आप ये देख सकते हैं कि एक तरफ आपको ये बोला जाएगा कि आप अपनी नागरिकता बताइए कि आप भारत के नागरिक हैं, और आपको 1971 या उसके आसपास के डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, जिसमें जितने भी हिंदू होंगे, और हिंदू जैन बुद्ध सिख पारसी मतलब मुस्लिम को छोड़ के जितने भी रिलीजन होंगे उनको तो ऑटोमेटिकली एनआरसी में जगह मिल जाएगी, वो तो ऑटोमेटिकली एनआरसी में जगह ले लेंगे। लेकिन जो हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी है कहीं ना कहीं उनको परेशान होना पड़ेगा, जद्दोजहद से जूझना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, और तब जाकर वो अपनी नागरिकता और भारतीयता प्रोड्यूस कर पाएंगे और वहां पर रजिस्टर में आ पाएंगे। तो एक शक के घेरे में आता है कि क्या ये चुनाव के प्रोस्पेक्टिव से हो रहा है कि जितनी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसका वोटर आईडी छीन लिया जाए और जिससे केवल हिंदू ही वोट देने लायक रह जाए। सो बहुत बड़ा सवाल है। क्यों? क्योंकि आप किसी को बांग्लादेश, किसी मुस्लिम को बांग्लादेश तो नहीं भेज सकते। आप किसी को कहें कि आप बांग्लादेश चले जाएंगे या हम आपको बांग्लादेश भेज देंगे तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन क्या कहीं ना कहीं ये उनके अधिकार छीनने की तरफ तो एक रास्ता नहीं है? सो एक बहुत बड़ा डर यही चीज़ को लेकर मुस्लिम कम्युनिटी को है, कम्युनिटी में है। इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट में, अभी मैंने आपको बता भी दिया नॉर्थ ईस्ट में क्या डर है। नॉर्थ ईस्ट में रिलीजन को लेके ज़्यादा कोई बात नहीं है, बस उनका ये है कि उनकी एथनिसिटी, उनका कल्चर जो है वो हैम्पर कर जाएगा। इसके साथ साथ कोई क्लियर प्रोविजन नहीं है कि जो 6 धर्म हैं उनको किस हिसाब से आइडेंटिफाई करेंगे और किस हिसाब से सिटीजनशिप देंगे, क्योंकि अगर कल भी कोई अगर आ जाता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, वो कहता है कि वो हिंदू है उसे दे दो सिटीजनशिप, तो क्या उसे सिटीजनशिप दे दी जाएगी ये भी बिना चेक किए हुए कि क्या वो कोई आतंकवादी तो नहीं है। सो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब माइनॉरिटी में फियर क्यों है? देखिए मैंने आपको बता ही दिया कि एक डेलिबरेट एक्सक्लूजन हो रहा है माइनॉरिटी का सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से, और कहीं ना कहीं ये उनकी सिटीजनशिप को ऑल्टर कर सकता है और हैम्पर भी कर सकता है, क्योंकि 1971 के डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना बहुत लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उस टाइम कोई कंप्यूटराइज मेंटेनेंस नहीं था डॉक्यूमेंट्स का। सो उनके अधिकारों को भी छीना जा सकता है। जैसे इस बार खबरें आई थी कि कई लोगों के वोटर आईडी कार्ड भी छीन लिए गए थे, लाइक उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था। सो इन्हीं चीज़ों को लेके माइनॉरिटी में काफ़ी ज़्यादा डर है। इसके साथ साथ अब नेक्स्ट आगे क्या होगा? देखिए प्रोटेस्ट पूरे देश में चल रहे हैं, ये हो सकता है कुछ अमेंडमेंट हो जाएं इस बिल में, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। एनआरसी होगा ही होगा पूरे देश में, ये गृह मंत्री ने क्लैरिफाई कर दिया है। सो इसके लिए आप रेडी हो जाएं, जैसे नोटबंदी हुई थी और उसका कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन एनआरसी होगा ही होगा। तो अभी प्रेसिडेंट के पास बिल जाएगा, असेंट होगा प्रेसिडेंट द्वारा, और एक बहुत हाई चांसेस हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल स्क्रूटनी के लिए जाएगा आर्टिकल 14 को लेके और 21 को लेकर। सो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, क्या वो कहता है कि बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है या नहीं है, सो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन सुप्रीम कोर्ट। हाँ इसके कुछ प्रोज भी हैं। फ़ायदा ये है कि जितने रेफ्यूजीज जो हैं जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हैं, जो जिनको धार्मिक तौर पर प्रताड़ित किया गया, बहुत ज़्यादा किया गया, ये फैक्ट है, जो वहाँ के हिंदू हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो पहले 23% थी पाकिस्तान में, वो अब 3% रह गई या उससे भी कम रह गई। सेम पाकिस्तान में भी यही हाल है, अफगानिस्तान में भी यही हाल है। तो कहीं ना कहीं उनको एक रिलीफ मिलेगा कि अब वो कई सालों से देश में रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, उनको वो अधिकार नहीं मिल रहे थे जो भारत के सिटीजन्स को मिल रहे थे। तो ये बिल पास होने के साथ साथ उनको ये अधिकार भी मिलेगा और वो एक डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ जी सकते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा फायदा है, और कहीं ना कहीं इसी चीज़ को कोट भी किया जा रहा है बार बार हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी, पूरा एनआरसी अच्छे समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।